हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो फर्स्ट लेक्चर, बेसिकली पहले जो हमने सेट थ्योरी देखा जो सपोर्टिंग था फिनाइट ऑटोमेटा में, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर देखेंगे फिनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, फिनाइट ऑटोमेटा को समझने के लिए मतलब थ्रू आउट टिल मिड टर्म हम कुछ ग्राफ्स बार बार बनाते रहेंगे, कुछ इस तरह के ग्राफ्स होंगे। ठीक है, कि आपके पास कुछ सर्कुलर शेप्स होंगी और वो सर्कुलर शेप्स आपस में कनेक्टेड होंगी। तो वो स्टूडेंट जिनको पहले से पता है ग्राफ क्या होते हैं तो उनको ये समझने में मुश्किल नहीं होगी, मगर जिनको नहीं पता तो हम थोड़ा सा ग्राफ थ्योरी का बेसिक इंट्रो, ग्राफ थ्योरी अपने लिए एक पूरा सब्जेक्ट है, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, उसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ होती हैं, मगर हम बहुत सिंपली जितना सिंपल कर सकते हैं ग्राफ थ्योरी को उतना करके उसको आज समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक ऑटोमेटिक मशीन्स कैसे बनती हैं, ऑटोमेटिक चीज़ें कैसे चलती हैं, तो उसको देखने के लिए जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आप इंग्लिश इसमें ये एक ऑटोमेटिक ये चीज़ है जो आपको ग्रीन सिग्नल देगी अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी वर्ड लिखा है उसके आखिर में अगर ING आता है। ठीक है, अगर उसके आखिर में ING नहीं आता तो वो उसको रेड सिग्नल देगी। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं इधर से, आपके पास जब तक के आई नहीं आता आप नथिंग पे इधर लूप करते रहते हैं, जैसे आई आता है आप आगे जाते हैं, फिर एन आता है आप आगे जाते हैं, फिर जी आता है तो आप इधर आते हैं, और जब आपको डबल सर्कल मिलता है इसका मतलब है यू हैव अचीव्ड योर गोल। ठीक है, तो और देखें जी के बाद आप कुछ रीड भी नहीं कर रहे, अगर आप एक दफ़ा जी रीड कर चुके हैं तो डैट मीन डैट इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस था कि आप इस इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी वर्ड दें अगर उसमें ING आता है तो वो फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है, अगर उसमें ING नहीं आता तो वो फाइनल स्टेट में नहीं पहुंच रहा। तो इस एग्जांपल को अगर कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम थोड़े से कॉन्सेप्ट देखेंगे ग्राफ थ्योरी के। तो ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें कुछ सर्कुलर शेप्स हैं और कुछ लाइंस हैं, तो इस ये दो लाइनें आपस में, ये लाइन जो है ये नथिंग को और सा आई को आपस में कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो क्या होते हैं ग्राफ्स, थोड़ा सा ग्राफ्स की बेसिक देख लेते हैं। अ ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस जिसको हम नोड्स भी कहते हैं, लिंक्ड बाय एजेस। ठीक है, जैसे आपके सामने ये एक सबसे सिंपल ग्राफ है कि आपके पास कुछ सर्कुलर शेप्स हैं। अच्छा, ग्राफ को आप सर्कुलर शेप से भी जाहिर कर सकते हैं, आप रेक्टेंगुलर शेप भी बना सकते हैं डिपेंडिंग। ठीक है, तो इसका नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, और जब बहुत सारी लाइनें होंगी तो उन लाइनों को भी हम नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं दे देता हूँ A1। तो हाँ, तो ग्राफ क्या है कि आपके पास कुछ नोड्स हैं, जैसे 1 नोड है, 2 नोड है, 3 नोड है। अब ये देखना है कि क्या 1 नोड 3 के साथ कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड है तो आप एक लाइन खींच देते हैं। अब देखिए 1 जो है वो 4 के साथ कनेक्टेड नहीं है, 2 के हम 1 से 2 पे और 2 से होते हुए 4 पे पहुंच सकते हैं, मगर 1 और 4 आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसी वजह से हमने इसके दो के दरमियान कोई लाइन नहीं खींची। और लाइन को हम लोग क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, हम उसे कहते हैं एज। तो ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, अगर ये मेरे पास पूरा एक ग्राफ है तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है जी, ये जी इज़ अ ग्राफ, ये ग्राफ है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है वी और एक है ई। ठीक है, तो वी इज़ अ सेट, ई इज़ अ सेट। वी में अंदर हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें जितनी नोड्स हैं उसको जाहिर करेंगे, और ई क्या है एजेस, कि हमारे पास जितनी एजेस हैं हम उसको जाहिर करेंगे। तो ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। अच्छा, ये तो आप लोगों ने सेट थ्योरी में या बेसिक सेट अंडरस्टैंडिंग में देखा था कि अगर कोई भी सेट है अगर उसके साथ में 2 बार लगा दूं तो वो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर बताता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर वी के अंदर क्या क्या मौजूद है, 1 2 3 4 5, तो मैं पूछूंगा कि वी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप मैथमेटिकली इसको इस तरह लिखेंगे, इसका मतलब होगा 5, एक सिंपल नंबर आएगा। इसी तरह एजिस, नंबर ऑफ एजिस कितने हैं इसमें, अगर एजिस काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 5 एजिस हैं और 5 ही इसमें नोड्स हैं। तो ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, इसको कहते हैं वर्टिसेस ऑफ ग्राफ, और दूसरी है एजिस ऑफ ग्राफ। ठीक है,
तो वर्टिस यू एंड वी आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ देयर इज एन एच बिटवीन यू एंड वी। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन आके और देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे पास एक अनदर टाइप ऑफ अ ग्राफ है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रॉब्लम्स को हम ग्राफ थ्योरी की मदद से सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को मतलब मिसाल के तौर पे सिटी का सिटी ग्राफ बना दिया जाए कि या एयरप्लेन का ग्राफ बना दिया जाए कि किस किस मुल्क में किस किस पाकिस्तान के किन किन शहरों में एयरपोर्ट्स हैं और उन एयरपोर्ट से आप किधर किन किन शहरों में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कराची से कोयटा आ सकते हैं, कोयटा से आप लाहौर जा सकते हैं, ये एक्चुअल डेटा भी इसी तरह, और लाहौर से आप इस्लामाबाद जा सकते हैं, इस्लामाबाद से आप पेशावर जा सकते हैं, पर कोयटा से इस्लामाबाद की डायरेक्ट फ़्लाइट है मगर कोयटा से पेशावर की कोई फ़्लाइट नहीं है। तो मैंने अगर पेशावर जाना है तो मेरे पास कौन कौन से रास्ते हैं? मेरे पास एक रास्ता है, मैं कोयटा से पहले कराची जाऊँ, कराची से इस्लामाबाद पेशावर की फ़्लाइट लूँ। तो ये जो सारा सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको हम ग्राफ की मदद से भी जाहिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये लाहौर एयरपोर्ट है, कोयटा एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, पेशावर एयरपोर्ट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट। ठीक है, कोयटा से आप किन किन शहरों में जा सकते हैं? आप कराची की फ़्लाइट आपको पता है, आपको पता है आप इस्लामाबाद जा सकते हैं, आपको पता है आप लाहौर जा सकते हैं। ठीक है, लाहौर से अगेन आप कराची जा सकते हैं। अभी जिस शहर से आप कोयटा से कराची जा सकते हैं तो कराची से कोयटा भी जा सकते हैं, हमें उसकी दोबारा एज ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लाहौर से आप लेट से पेशावर भी जा सकते हैं, लाहौर से आप इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कराची से आप पेशावर भी जा सकते हैं और बाकी सारे शहरों में भी जा सकते हैं और इस्लामाबाद से भी आप पेशावर जा सकते हैं। अगर आपने अभी कोयटा से पेशावर जाना है तो आपके पास कितने रास्ते हैं? मिसाल के तौर पे आप कोयटा से कराची जाएं, फिर कराची से पेशावर जाएं, कोयटा से इस्लामाबाद जाएं, इस्लामाबाद से पेशावर जाएं, कोयटा से लाहौर जाएं, लाहौर से पेशावर जाएं। तो अभी आपके पास कितने रास्ते हैं? तो ये एक छोटा सा मैंने ग्राफ बना दिया एयर ट्रैफिक का पाकिस्तान एयरपोर्ट्स का। तो अब इसके आप मुख्तलिफ अभी एक प्रॉब्लम, तो ये सिंपल आपको राउट्स पता चल गए हैं कि आप किधर से किधर जा सकते हैं। अब एक और स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ होता है जिसे कहते हैं वेटेड ग्राफ, और वेट अब डिपेंड करता है डिस्टेंस को, या वेट डिपेंड करता है आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट को, या आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आपके लिए प्रियोरिटी क्या है। मिसाल के तौर पर कोयटा से लाहौर की फ़्लाइट लेती है लेट से 90 मिनट्स। ठीक है, अब मैंने इसके वेट्स डालने शुरू कर दिए, और लाहौर से पेशावर की फ़्लाइट लेती है प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से 60 मिनट्स, आई एम नॉट श्योर, कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया, और कराची से पेशावर की फ़्लाइट लेती है लेट से अगेन 90 मिनट्स, और कोयटा से कराची की फ़्लाइट लेती है लेट से 60 मिनट्स। अब मैं आपसे कहता हूँ आपने कोयटा से पेशावर जाना है, टाइम बचाना है, और आपका सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल रास्ता कौन सा होगा? तो आप पहले जाएंगे कोयटा से कराची और कराची से पेशावर, क्योंकि कोयटा से लाहौर जाते हैं, लाहौर से पेशावर आते हैं, तो आपको लंबा पड़ रहा है 90 मिनट्स, और 160 मिनट इज 150 मिनट्स ट्रैवल टाइम है आपका, और कोयटा से कराची 60 मिनट्स और ये भी 150 मिनट्स हैं। ठीक है, तो दोनों कोयटा से कराची से पेशावर सेम है, तो इनका टाइम सेम है, तो आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा शॉर्टेस्ट है। तो टाइम के लिहाज से तो शॉर्टेस्ट कोई नहीं है, कॉस्ट के लिहाज से हो सकता है, जैसे कोयटा से जो कराची की फ़्लाइट है वो 10,000 रुपये की टिकट है, कराची से पेशावर की टिकट 9,000 रुपये की है, और कोई इस्लामाबाद से पेशावर की टिकट, तो आप डिपेंडिंग अभी वेट्स की बेस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर साइंस के अंदर आप जब आगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एडवांस एल्गोरिथम का कोर्स लेंगे उसमें देखेंगे कि हम कितनी डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स को यूज़ करते हुए बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर ये हमारे पास ग्राफ्स है, ठीक है, एक सिंपल सा ग्राफ है, इसको अगर इसमें दो चीज़ें होती हैं जैसे वर्टिसेस और एजेस, तो वी को जाहिर करते हैं, वी इज इक्वल टू ए बी सी डी, और एजेस कितने हैं, हर एजेस को एक लेबल देना है, ये ई वन हो गया, ये ई टू हो गया, ये ई थ्री, ये ई फोर और ये ई फाइव। तो ई वन इक्वल टू ए बी, यानी कि ई वन ए और बी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ई टू बी एंड सी को कनेक्ट कर रहा है, ई थ्री सी एंड डी को कनेक्ट कर रहा है, एंड इस तरह आप पूरे ग्राफ की कन्फिग्रेशन जो है ना वो उसको लिख देंगे। ये कुछ डेफिनेशन है, इफ टू वर्टिसेस ए एंड बी देर इज एन एच ई ज्वाइनिंग देम, वी से ए एंड बी आर एडजेसेंट। अब इसमें
ए और बी आपस में एडजेसेंट है, ए और सी आपस में एडजेसेंट है, ए और डी आपस में एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दो, कि आप ई फोर और ई थ्री की मदद से भी पहुंच सकते हैं, आप ई वन और ई फाइव की मदद से भी पहुंच सकते हैं, बट ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं है। इफ टू एजेस ई एंड एफ हैव कॉमन वर्टेक्स ई, द एजेस आर कॉल्ड इंसिडेंट। इफ ए इफ द वर्टेस ए इज ऑन एच ई, द वर्टेस ए इज ऑफन सेट टू बी इंसिडेंट ऑन ई। तो इन तीन डेफिनेशन को कंसेप्चुअली क्लियर करें, कुछ एग्जाम्पल्स देखें, क्योंकि एमसीक्यूज में मैं इस तरह के क्वेश्चन पूछूंगा। मिसाल के तौर पर आपको इस तरह का ग्राफ दे दिया जाएगा, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वी एट जो है वो सेट वी का हिस्सा है कि नहीं। आप देखें इसमें वी एट नहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं है। एच ई अलेवन इसमें है, आप देखेंगे ओहो इसमें एच ई अलेवन नहीं है, तो आप बोलेंगे ई एच जो है वो एच सेट का हिस्सा नहीं है। फिर ई वन ई टू थ्री आर इंसिडेंट टू ऑन वी वन, ये सारी कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा देखें, इसको थोड़ा सा गूगल करें, विकीपीडिया पे जाएं। अभी तक आप लोगों ने विकीपीडिया जैसी बहुत बड़ी नॉलेज बेस को एक्सप्लोर नहीं किया होगा, गूगल पे जाके विकीपीडिया ग्राफ थ्योरी लिखें तो आपको बहुत सारी अच्छी डेफिनेशंस मिलना शुरू हो जाएगी। फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है डिग्री ऑफ वर्टेक्स वर्टिसेस। डिग्री क्या है कि आपने चेक करना है कि हर नोड के ऊपर, नोड या वर्टेक्स के ऊपर कितने एजेस कनेक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ए से ए पे कितनी एजेस हैं, वन टू थ्री एंड फोर, तो ए की डिग्री है फोर। तो इसी तरीके से हर वर्टेक्स की आप डिग्री काउंट कर लेते हैं, ठीक है। फिर रेगुलर ग्राफ है, के रेगुलर ग्राफ है, ये काइंडली डेफिनेशंस आपने सारी देखनी है। मैं आपको थोड़ी सी सेल्फ स्टडी टास्क दे रहा हूँ। ये रेगुलर ग्राफ क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ, जिसके हर नोड पे डिग्री सेम हो, तो हम उसे कहते हैं वो रेगुलर ग्राफ, ठीक है। जैसे ये इसमें इस नोड को ले, इससे कितनी एजेस हैं, एक दो तीन। अब आप किसी भी नोड पे जाएं, सब के ऊपर सबकी डिग्री थ्री ही होगी, पर इस केस में आप देख रहे हैं कि इसकी डिग्री थ्री है मगर थ्री है, इसकी डिग्री थ्री है और इसकी डिग्री टू है, ठीक है। तो ये एक रेगुलर ग्राफ नहीं है, तो इस तरह के ग्राफ्स को फिर हम के टू थ्री कहते हैं, कि इस ग्राफ में दो एजेस ऐसी हैं जिन पे थ्री, जिनकी डिग्री थ्री है, ठीक है। तो ये थोड़े एडवांस टॉपिक्स होंगे, दो के हम इसमें ये इस तरह के टॉपिक्स को ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट्स में यूज़ नहीं करेंगे। ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट्स में हम डायरेक्टेड ग्राफ्स को यूज़ करेंगे, इस तरह के ग्राफ्स को, ठीक है। कि आप अभी इस तरह के ग्राफ्स का क्या, डायरेक्टेड ग्राफ में क्या देखें, पहले जो हमने ग्राफ्स देख रहे थे उसमें जो एजेस थी उनकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, डायरेक्टेड में डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे ये अगर आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो आप ए से बी पर तो आ सकते हैं मगर बी से ए पर नहीं जा सकते, यानी कि आपके पास एक एज है ए टू बी, बट आपके पास ऐसा कोई एज नहीं है जो बी टू है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। और ये तो जो जो आपके सामने एग्जांपल है, ये तो वेटेड ग्राफ की दी गई है कि ए से बी पे आते हैं तो उसका वेट फाइव है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी। अब इधर वेट क्या हो सकता है, आपके पास ट्रेवलिंग टाइम हो सकता है, कॉस्ट टाइम हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है। फिर आपसे ये कहा जा सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करें फ्रॉम ए टू, लेट्स से ये एक पाथ है जी, ए टू जी शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ठीक है। तो जब ग्राफ्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो हम उसके वेट को काउंट करते हैं, बट हमने जो थ्रू आउट अभी आगे जाके जितनी भी एग्जांपल्स देखेंगे, हम ये वाला ग्राफ यूज़ कर रहे होंगे कि ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है और इसमें वेट्स नहीं है, इसमें लेबल्स होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो आप ए से बी पे जा सकते हैं, सी से ए पे आ सकते हैं, पर ए से सी पर नहीं जा सकते, ए से डी पे नहीं जा सकते, बल्कि डी पे तो आप किसी भी तरीके से कहीं से भी नहीं आ सकते। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या ऐसा कोई ग्राफ डेड नोड है जिस पे आप पहुंच ही नहीं सकते, तो आप देखें डी पे आप कहीं से भी नहीं पहुंच सकते, आप कुछ भी कर ले। बी पे आप कहाँ कहाँ से पहुंच सकते हैं, आप ए से आ सकते हैं, आप सी से आ सकते हैं, ठीक है। ई पे आप ए से आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ग्राफ को अंडरस्टैंडिंग है, तो ये स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगा, इसमें थोड़े से आगे जाके और ग्राफ्स को देखें, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स की इस लेवल तक की होनी चाहिए जो पहली एग्जांपल्स आपको दिखाई गई थी। फिनाइट ऑटोमेटा आर द फिनाइट कलेक्शन ऑफ स्टेट्स विद द ट्रांजिशन रूल दैट टेक्स यू फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर अदर स्टेट,
ठीक है, तो हम फिनाइट ऑटोमेटा के लिए ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें होंगी, नोड्स होंगी और आर्क्स होंगे, और आर्क्स के कुछ लेबल्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक फिनाइट ऑटोमेटा है, ठीक है। तो इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा कि इसमें कुछ चीज़ें हैं कि आपके पास एक स्टार्ट ग्राफ में स्टार्ट कहाँ से लेना। मिसाल के तौर पर जो मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दी थी क्वेटा सिटी की, वो किधर है ये, ठीक है। अभी देखें इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पिशावर में हैं तो आप पिशावर के नोड पे आ जाते हैं, अगर आप कराची में हैं तो आप कराची पहुंच जाते हैं। पर फिनाइट ऑटोमेटा में हम कहेंगे कि ये हमारा स्टार्टिंग नोड है, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग नोड है। जो स्टार्टिंग नोड का हम इस तरीके से जाहिर कर देंगे तो फिर आप कहीं और से स्टार्ट नहीं हो सकते, आपने यहीं से स्टार्ट होना है। ये एक एडिशन करेंगे हम। और एंड पॉइंट, हम एंड पॉइंट को बता देंगे कि हमने कराची से क्वेटा जाना है तो हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, आप कराची से क्वेटा इस तरह जा सकते हैं। अभी इसको हम डायरेक्टेड कर देंगे, क्योंकि फिनाइट ऑटोमेटा में हम सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्राफ से दोबारा स्टार्ट करूंगा और आपको एक फिनाइट ऑटोमेटा, एक ऑटोमेटिक मशीन की एग्जाम्पल दूंगा कि हमें किस तरह, और उस मशीन की कुछ एग्जाम्पल्स को हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे।